हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन है क्या? ट्रांसपोर्टेशन यातायात के संचार के जो व्हीकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचते हैं बहुत ही कम समय पर। लेकिन किसी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, यानी कि किसी भी चीज़ की अनियमितता घातक होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि रोड्स उनके लिए छोटी पड़ गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हर व्यक्ति के पास पर्सनल व्हीकल चाहता है तो उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ गया कि हर जगह भीड़ बढ़ गई है, चौराहों में जाम लग चुका है और रोड्स जो है खचाखच पूरी भर चुकी हैं। इसका एक सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि मेट्रो ट्रेन्स चालू भी हो चुकी है, यानी सरकार ने कई जगह पे मेट्रो ट्रेन्स स्मार्ट सिटी में चालू कर दिए, जैसे कि लखनऊ हो गया और अनदर सिटीज़ भी हो गया। तो मेट्रो ट्रेन्स काफ़ी जो है संभाल लेती हैं पॉपुलेशन को, यानी कवर कर लेती पॉपुलेशन, जिसकी वजह से चौराहों में जाम कम लगता है। लेकिन हाँ, सबके पास अपनी व्हीकल खुद की हो गई, जिसकी वजह से बहुत लोगों को जो है जाम और पॉल्यूशन का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी काफ़ी दिक्कत और परेशानी में आ गया है। तो ऐसे चलता रहा तो कुछ समय बाद जो है पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो है हर व्यक्ति को अपने घर में ट्रीज लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन नियंत्रित रहे। और अगर आपको जितनी ज़रूरत हो, मान लीजिए अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, भले ही ज़रूरी नहीं है कि आप कार को ही निकालें। कार में आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी भी ज़्यादा जाती है, प्लस आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा जाती है। तो और इसमें जैम भी ज़्यादा कारों की वजह से लगता है और ट्रकों की वजह से भी जैम लगता है। तो आप संतुलित होकर के, मतलब अगर आप हम सब रहेंगे तो ये सृष्टि काफ़ी आगे तक अच्छी प्रकार से चलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।